हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज की रेसिपी में आप देखने वाले हो कॉज यानी कि कवाच के सब्जी कैसे साफ करें, कैसे इसे छीले और काटें, इसका पौधा कैसे होता है और साथ ही साथ सब्जी कैसे बनाए जाते हैं कवाच के। तो इस तरीके से पौधे होते हैं, लगभग सेम के जो पौधे होते हैं उसी तरीके से होते हैं। इसका पत्ती भी आप देख सकते हो बिल्कुल उसी तरीके का होता है, लेकिन इसका पत्ती हल्का सा लंबा होता है। तो इस तरीके से ये लटकने वाला पौधा होता है और इसके जो फल लगे रहते हैं वो एक साथ जैसे सेम होता है गुच्छा में रहते हैं। और फल केवाच के फल बाहर से आप देखेंगे पूरा काला लगता है, इस तरीके से आप देख रहे हो। तो कुछ कुछ फल अभी छोटे साइज का है और कुछ यहाँ पे आप देख रहे हो बड़े हो चुके हैं, बिल्कुल इमली जैसा है लगभग। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा किलो 500 ग्राम, और इस तरीके से होते हैं देखिए। तो मैंने एक दिन तोड़ के रखा था, तो इस तरीके से देखिए थोड़ा काला भाग छूट गया है और हरा हरा अंदर से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसे सबसे पहले कैसे साफ़ करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर से ये जो काले काले हिस्सा है ये बहुत जैसा ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले इसे पानी में डाल लेना है। पानी में डाल देने के बाद अब क्वाच को अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के मसल मसल के धुलना है, लेकिन इस तरीके से आप धुलेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाते हैं, क्योंकि क्वाच के हर जगह इस तरीके से काले काले हिस्से लगे रहते हैं। मैंने बस 1 मिनट रगड़ा और इसका पानी कैसे काला पड़ गया अभी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से एक चक्कू के सहारे से इस तरीके से साफ़ करने से ना बहुत ही ईजीली साफ़ होते हैं। आप चाहे तो क्वाच बाइट से भी इसे रगड़ के साफ कर सकते हो, उससे भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो इस तरीके से झटपट हमें साफ़ कर लेना है और इसे 5 से 6 बार पानी बदलते हुए हमें धुलते हुए साफ़ कर लेना है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के भी रखा था, जिससे एकदम अच्छी तरीके से साफ़ हो चुके हैं। अब इसे बॉयल कर लेना है, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अगर आप कुकर में बॉयल करेंगे तो 1 सीटी लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए बिठा चुकी थी। तो अभी मैं ऑफ़ करके एक बार चेक कर लिया है मैंने नाइफ से कि अच्छी तरीके से बॉयल हुआ है कि नहीं। तो देखिए पानी का कलर भी चेंज हो गए हैं और अच्छी तरीके से ये उबल भी गए हैं। अभी इसे छन्नी से एक प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा करने के लिए आप पानी में नॉर्मल ठंडा पानी से ही आप एक बार धुल लीजिए तो उससे ठंडा हो जाएंगे, या फिर आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। तो अब हमें छील लेना है। अब छीलते कैसे हैं, इस तरीके से देखिए छील लेना है। नॉर्मली मैं बोलूँगी जैसे केला छीलते हैं उसी तरीके से है, लेकिन केला छीलना जितना आसानी रहता है ये उतना भी आसान नहीं है। इस तरीके से थोड़ा सा बार बार खींचने से कभी कभी ना टूट जाने लगते हैं छिलके। तो इस तरीके से हमें छिलके को अलग कर लेना है। ऊपर से जितना भी एक पतला सा आप देख रहे हो स्किन जैसा एक छिलका है वो निकल जाएंगे, और ये क्योंकि बॉयल हुआ है तो ये लाइट ग्रीन कलर अभी आ चुके हैं, हल्का सा पीला पीला भी है। अब देखिए इसे अलग करने से पहले इसके ऊपर से ना एक भाग है, वही है हमारा कॉज के सब्जी। बस इस तरीके से मैं नाइफ से निकाल लूँगी। अब तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ से ही निकाल लेना है, क्योंकि इसके बीचों बीच ना एक मोटा सा परत रहता है जो अच्छा नहीं लगता है, जो मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये जो परत है ये अच्छा नहीं लगता, बहुत हार्ड रहता है। अब इसका जो बीज है ये काफ़ी बड़े बड़े साइज का बीज है, इसे भी हम बनाएंगे। तो इस तरीके से बीज को निकाल लेंगे, और कॉज खाने में जितना टेस्टी है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं। आयरन से भरपूर रहता है और बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। आप अगर चाहे तो गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सब्जी निकलेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, तो चाहे तो आप इस तरीके से चक्कू से इस तरीके से निकालिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हो छिलका इस तरीके से हमें निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमें साफ़ कर लेना है जल्दी से ही, और अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए ना तो उतना भी प्रॉब्लम नहीं है छिलका उतारने की। तो इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से सारे काट लिया है और छोटे छोटे पीसेस में भी कर लिया है, और इसका बीज काफ़ी सारा है जो खाने में टेस्टी है।
मसाला यहाँ पे दिखा रही हूँ, एक बड़ा साइज टमाटर, लहसुन लिया है मैंने 10 से 12, और अदरक आधा इंच, हरा मिर्चा स्वाद अनुसार इसे पेस्ट कर लेंगे। चलिए अब बना लेते हैं। तो एक पैन में मैंने डाला सरसों का तेल, कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हो। हाफ टी स्पून जीरा डाल ली हूँ, जीरा जैसे ही ब्राउन हो चुके हैं अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून मेथी के दाने। अब मेथी डालने के बाद तुरंत ही इसे हमें डाल देना है प्याज। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज प्याज और एक मीडियम साइज आलू बहुत ही फाइन चॉप किया है मैंने। तो इस तरीके से प्याज और आलू को मिक्स करते हुए फ्राई कर लेना है। तो प्याज यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, इसमें डालेंगे पेस्ट किया हुआ मसाला और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स कर लेने के बाद इसमें डालना है नमक, नमक हाफ टी स्पून नमक, बिल्कुल ही स्वाद अनुसार। अब इसमें डाल दीजिए धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और डालेंगे हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। अब अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक मसाला का कलर चेंज ना हो जाए और अच्छी तरीके से तेल ना छोड़ दे। तो देखिए यहाँ पे मसाला अच्छी तरीके से भून चुके हैं, तेल छोड़ा है और मसाला का कलर एकदम चेंज हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप मटर। यहाँ पे मटर ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ करें या फिर नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पे कॉच को जो हमने काट के रखा है इस तरीके से डाल देना है। अब देखिए कॉच को इस तरीके से जब हम लोग काट लेते हैं ना, तो इसके अंदर कोई भी रेशे या फिर मोटा जो परत था वो नहीं मुंह में पड़ते, तो एकदम खाने में भी बहुत इजीली रहते हैं। लेकिन आप अगर चाहें तो एकदम जैसे छील के भी आप बना सकते हो, तो उस तरीके से जैसे सहजन के डंठल रहते हैं थोड़ा रेशा रहता है, तो उस तरीके से आपको चबा के आपको फेंकना पड़ता है। तो इस तरीके से भूनेंगे लगभग 4 मिनट तक। तो भूनना यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, आप चाहे तो सूखा खा सकते हो, लेकिन मैं ग्रेवी बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब फुल फ्लेम में यहाँ पे कुक कर लेना है, जब तक ग्रेवी हमें जितना रखना है उतना ना आ जाए। तो फुल फ्लेम में रखते हुए हमारा 5 मिनट कुक करना हो गए हैं और एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। जितना हमें ग्रेवी रखना है इतना अब आ चुके हैं, आप चाहे तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से करिए। तो अब इसमें लास्ट में डालेंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ती और डालने के बाद मिक्स कर लेंगे, जिससे कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और 1 मिनट के लिए यहाँ पे कुक कर लेना है फुल फ्लेम में, फिर हम कर देंगे स्लो, जिससे कि ऊपर इसका शाइन आ जाएंगे। तो लीजिए कंप्लीट हो चुके हैं। और गर्मा गर्म कौज की सब्जी इस तरीके से आप खाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। हमारे यहाँ तो केवज बहुत ही जल्दी मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ पे कभी भी दिख जाए तो इस सब्जी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग हेल्दी हेल्दी खाना खाएं और एकदम स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, आज का केवज की सब्जी आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताइए। लव किचन चैनल में आप नए हो तो लव किचन को अभी तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरीके से हेल्दी हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कोई यूनिक रेसिपी में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।